चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुल नाथ अमरवाड़ा के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राजा कमलेश शाह के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि लगातार जो है चुनाव प्रचार किया जा रहा है। खिड़की घाट में नकुल नाथ ने कांग्रेस के लिए वोट मांगे। उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र को कांग्रेस का नकल पत्र बताया। साथ ही आदिवासी समुदाय के लोगों से अपील करते हुए कांग्रेस सरकार आने पर सभी वचन पूरे किए जाएंगे, ये कहा। नकुल नाथ से इस दौरान खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता निशांत बसीन ने। अमरवाड़ा विधानसभा के बटका खापा में जहां पर सांसद नकुल नाथ ने हाल ही में एक जनसभा को संबोधित किया, आदिवासी क्षेत्रों में आपने आज घोषणाएं की और एक तरीके से उन्हें यकीन दिलाया कि कमलनाथ जी की जब सरकार आएगी तो उनका जीवन स्तर सुधरेगा और उनकी जरूरतों को और बेहतर तरीके से कांग्रेस समझ पाएगी। कैसे आज आखिरी दिन कैसे आप जोर लगा रहे हैं? मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि हमने आपको ये वचन दिए हैं, हम वचन निभाएंगे। और आदिवासी लोग बड़े समझदार लोग हैं, अगर किसी पार्टी ने आदिवासियों का भला चाहा है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है। आज अगर आदिवासी की जमीन सुरक्षित है तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है। आज अगर उनको आरक्षण मिल रहा है तो वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और अमित शाह जी जो बड़े बड़े घोषणाएँ करते हैं 3 लाख करोड़, ये उनको तो समझ में नहीं आता क्या है। ग्राउंड लेवल पर क्या योजना का लाभ आदिवासियों को मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। आप यहाँ के सांसद भी हैं, आदिवासियों से किस तरीके का कनेक्ट स्थापित करते हैं आप? क्योंकि आदिवासियों और कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना संबंध रहा है, अच्छा संबंध रहा है। प्रचार की लीड आपने लीड किया पूरे कैंपेन को, सारे विधायक प्रत्याशी जो हैं आपके, जैसे यहाँ पर अमरवाड़ा से जो विधायक हैं और आपके प्रत्याशी हैं कमलेश जी, आप कैसे मोटिवेट करते हैं इन्हें, कैसे क्या टिप्स देते हैं? मैं इनको कहता हूँ कि बहुत मेहनत करें, मेरी जितना मेहनत करें। नकुल जी अब आगे अगली सभा के लिए जाएंगे, हम भी उनके साथ हैं। निशांत बिसेन, बसल न्यूज़, अमरवाड़ा। और चलिए आगे बढ़ेंगे।